नमस्कार, आप देख रहे हैं सुल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर पीरपैंती एनएच 80 पर दुर्घटना जैसे आम बात हो गई हो। यहां घर से निकलते ही लोग अपनी जान को हथेली पर लेकर चलते हैं और हमेशा इस सड़क पर चलने वालों के मन में एक डर सा बना रहता है। दरअसल शनिवार को पीरपैंती थाना क्षेत्र के एनएच 80 चांदपुर गाँव के समीप अपनी पत्नी के साथ स्कूटी से पास के पेट्रोल पंप जा रहे हसूर नगर निवासी मिथिलेश मिश्रा को पेट्रोल पंप साधु मठिया से पीरपैंती की तरफ जाने के में अनियंत्रित ट्रक ने पीछे से तेज टक्कर मार दी। इस घटना में मिथिलेश मिश्रा की 60 वर्षीय पत्नी इंदु देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मिथिलेश मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद इसकी सूचना मिलते ही मौके पर दलबल के साथ पहुंचे पीरपैंती अंचलाधिकारी चंदन कुमार चक्रवर्ती और थानाध्यक्ष राजकुमार प्रसाद ने ग्रामीणों को समझा बुझा कर जाम हटवाया। इधर घटना में शामिल ट्रक को जब्त कर पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर ऋषिपुर थाना प्रभारी अरविंद सहनी और शिव नारायणपुर थाना की पुलिस मौजूद रही। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस और मनुस्मृति को लेकर दिए गए बयान के बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इसको लेकर शनिवार को भागलपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से स्टेशन चौक पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। बता दें कि बीते दिन शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसको लेकर पहले जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से विरोध प्रदर्शन कर मंत्री का पुतला दहन किया गया था, वहीं शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा शिक्षा मंत्री का विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर बिहार सरकार के मंत्रिमंडल से शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को अविलंब निष्कासित कर कार्यवाही नहीं की गई तो परिषद द्वारा चरणबद्ध तरीके से देश भर में आंदोलन तेज कर दिया जाएगा। साथ ही कहा कि किसी भी परिस्थिति में धार्मिक ग्रंथों पर की गई अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौके पर एवीपी के रोहित राज, कुणाल पांडे, राजहंस यादव, रोची सिंह, प्रतीक कुमारी समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोग शिक्षा मंत्री का पुतला दान किए हैं। आज जिस तरह से रामचरितमानस को कलंकित करने का काम किया है, ऐसे में ऐसे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी को शिक्षा मंत्री के पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बार बार इस देश में देखा जा रहा है कि हिंदुओं के आस्था को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, ठेस पहुंचाने के लिए कई तरह का बयान दिया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा बिहार सरकार नीतीश कुमार जी से आग्रह होगा कि ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त करे और जेल भेजने का काम करे। भागलपुर सोनापट्टी में मकर संक्रांति को लेकर शनिवार को जिला स्वर्णकार संघ की ओर से दरिद्र नारायण के सम्मान में भोज का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वर्णकार संघ द्वारा आयोजित किए गए दरिद्र नारायण भोज में नवनिर्वाचित महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व उप महापौर सह पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर, पार्षद अश्वनी जोशी मोंटी और अमित कुमार ट्विंकल के साथ संघ के अध्यक्ष शिव कुमार वर्मा समेत कई सदस्यों ने गरीब एवं असहाय वर्ग के लोगों को भोजन कराया। वहीं इस दौरान संघ की ओर से गरीब जरूरतमंद पुरुष, महिला और बच्चों के बीच कंबल और जरूरी सामान का वितरण किया गया। इसको लेकर स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष शिव कुमार वर्मा ने कहा कि मकर संक्रांति पर गरीबों की सेवा और भोजन कराना मानवता का धर्म है और संघ की ओर से यह परंपरा लगातार निभाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रयास हर वर्ग के लोगों के द्वारा की जानी चाहिए, जिससे अपने साथ हम दूसरों की मदद में सहयोगी बन सके और सभी के चेहरे पर खुशहाली हो। मौके पर सचिव संजय पोदार, रंजीत शाह, अनिल करेल, छोटे लाल शाह, वज्रंग शाह समेत काफी संख्या में स्वर्ण व्यवसायी और समाज के लोगों ने भी अपनी सेवा प्रदान की। भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ की ओर से हर साल मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर दरिद्र नारायण भोज, ब्राह्मण भोज का आयोजन भागलपुर जिला स्वर्णकार संघ के तमाम सदस्यों के आर्थिक सहयोग, तन मन धन से उन लोगों के सहयोग द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सड़क पर
परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता को लेकर चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसको लेकर 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत भागलपुर में भी सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता लगातार चल रहा है। वहीं शनिवार को भागलपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर एक अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहाँ भागलपुर यातायात पुलिस और जीवन जागृति सोसाइटी ने नए अंदाज में लोगों को जागरूक किया। दरअसल यमराज शनिवार को भागलपुर की सड़कों पर दिखे, जहां उन्होंने लोगों से यातायात नियम के पालन करने का अनुरोध किया। इससे पूर्व कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भागलपुर यातायात डीएसपी प्रकाश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान लोगों को सड़क यातायात की सुरक्षा के लिए अक्सर होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। मौके पर जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह समेत संस्था के कई सदस्य एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत चौथा दिन है और पूरा हमारा जो बिहार राज्य में है इसको बड़े स्तर से चलाया जा रहा है। हम लोग भी इसको चला रहे हैं, यहाँ जीवन जागृति सोसाइटी भी इसको चला रही है। प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ हम नया कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जो भी सुरक्षा मानक है, ट्रैफिक रूल्स के जो भी सुरक्षा मानक तय किए गए हैं उसका पालन करें, ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो और लोग सुरक्षित रहें। इसी दरमियान में आज हम लोग एक यमराज का दिखाएंगे आप लोगों को कि यदि आप हेलमेट नहीं पहनते हैं या सुरक्षा मानकों का ये नहीं मानते हैं, ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं, तो यमराज जो है वो हमेशा आपके पीछे रहता है। जहां मौका मिलेगा यमराज आपको सजा दे ही देगा। और आप जिस तरह से सीट बेल्ट बिना लगाए हुए कार पर चढ़ते हैं और बाइक पर बिना हेलमेट लगाए चलते हैं, ओवर स्पीड में चलते हैं और कहीं भी आप तेज़ी से चाहते हैं पास मिल जाए, उस तरह से जो भी करते हैं वो मौत को दावत दे रहे हैं। और यमराज आज कह रहे हैं कि आपका हमारे यहाँ ऐसे लोगों का हमारे यहाँ निमंत्रण है, आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आपका जिंदगी धरती से उग चुका है, अब हमारे यहाँ पधारे हैं मौजूद। भागलपुर में लगभग 2 दशक के बाद खेल जगत में शतरंज टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। जिला स्तरीय चेस टूर्नामेंट का आयोजन भागलपुर के निजी होटल में किया जा रहा है, जिसमें शतरंज के 62 खिलाड़ी प्रतिभागी के रूप में हिस्सा लेंगे। वहीं इस प्रतियोगिता में चयनित होने वाले खिलाड़ियों को 4 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद ये खिलाड़ी 20 से 22 जनवरी तक आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। वहीं काफी समय बाद एक बार फिर से भागलपुर में शतरंज प्रतियोगिता की शुरुआत होने पर जहां खिलाड़ियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मौके पर MLC डॉक्टर एनके यादव, चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, समाज सेवी विजय यादव, विश्व बंधु उपाध्याय समेत कई खेल प्रेमी मौजूद रहे। आज समाज सेवी विजय जी और अजय बाबू के प्रयास से पुनः भागलपुर में शुरुआत हो गई है और बहुत सारे बच्चे इसमें भाग लेने के लाए हुए हैं। मैं सबको शुभकामना देता हूं कि आप अच्छे से खेलें और इस खेल का जो असर है बहुत व्यापक असर होता है, खास करके जो बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं वो शतरंज में भी तेज होते हैं, या दूसरा कहीं जो शतरंज में तेज होते हैं पढ़ने में भी तेज होते हैं। बिल्कुल, चेस की शुरुआत भागलपुर में हुई है और सबसे बड़ी बात है कि भागलपुर को दायित्व मिला है पूरे स्टेट का, जो यहाँ पे पूरे बिहार से यहाँ पे हर जिले से टीम आएगी यहाँ पे। आज जो है जिला स्तरीय यहाँ पे मैच हो रहा है, जो चेस का खेल हो रहा है और आगामी 20, 21, 22 3 दिन तक लगातार जो है पूरे बिहार से हर जिले से यहाँ पे टीम आएगी और भागलपुर को यह दायित्व मिले बहुत सौभाग्य की बात है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मकर संक्रांति त्योहार को लेकर भागलपुर के बाजारों में गहमा गहमी तेज हो गई है। खासकर कतरनी चूड़ा की डिमांड काफी बढ़ गई है। लोग दूर दूर से भी इसकी खरीदारी करने बाजार आ रहे हैं, जबकि कई लोग ऐसे भी हैं जो कतरनी चावल और चूड़ा खरीद कर दूसरे शहरों में रहने वाले अपनों के लिए कुरियर के माध्यम से भेज रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस वर्ष कतरनी चूड़ा 90 से 110 रुपए किलो और मालभोग कतरनी 100 से 120 रुपए किलो बिक रहे हैं, जबकि पिछले वर्ष से 20 से 30 रुपए तक की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि कतरनी चावल और चूड़ा को देश भर में काफी पसंद किया जाता है और हर वर्ष यहाँ का कतरनी चूड़ा मकर संक्रांति से पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य को भी भेजी जाती है। भागलपुर के कचौड़ी गली में चूड़ा और तिलकुट का बाजार काफी गर्म है। मकर संक्रांति से पूर्व से ही यहाँ तिलकुट की बिक्री शुरू हो जाती है और चीनी, गुड़ समेत कई तरह के तिलकुट बाजार में मौजूद है, जिसकी कीमत 220, 240 और 300 रुपए किलो तक बताई जा रही है। भागलपुर खाटू श्याम मंदिर स्थित राधा कुंज में शाकंभरी परिवार पुरुष एवं महिला समिति की ओर से मां शाकंभरी का अष्टम वार्षिक उत्सव मनाया गया। समारोह के दौरान समिति के सदस्यों और भक्तों ने धूमधाम से मां की पूजा अर्चना कर उत्सव का आनंद लिया, जबकि जिले में पहली बार माता शाकंभरी का भव्य दरबार भी सजाया गया। वहीं उत्सव को लेकर विभिन्न जगहों से माता शाकंभरी के भक्त और श्रद्धालु खाटू श्याम मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन कर समारोह का आनंद लिया गया। इधर कार्यक्रम को लेकर महासचिव मुरलीधर शर्मा और प्रवक्ता चंचल शर्मा ने बताया कि शाकंभरी परिवार भागलपुर के द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह में माता का भव्य दरबार सजाया गया, जहां महामंगल पाठ, भजन संध्या और चुंडी उत्सव कार्यक्रम के अलावा भक्तों के लिए लकी ड्रॉ भी किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। वहीं समिति के अध्यक्ष बद्री प्रसाद छापोलिका के नेतृत्व में संपन्न हुए कार्यक्रम में भागलपुर समेत बाहर से आए हुए अतिथियों कलाकारों ने चार चांद लगा दिया। इस दौरान झारखंड के टाटा नगर से आए कलाकार मनोज शर्मा, स्थानीय कलाकार राहुल सोनी, उमाकांत वर्मा, सुरेश महतो एवं आनंद खेतान ने माता के मनभावन भजन की प्रस्तुति दी। वहीं उत्सव के बाद भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। मौके पर संयोजक बालमुकुंद सिंघानिया, हरीश वर्मा, प्रभु शर्मा, प्रमोद पोद्दार और महिला समिति की आशा पोद्दार समेत काफी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने उत्सव में माता का जयकारा लगाया। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड अंतर्गत बगचप्पर गांव में जलवायु सुरक्षा दल की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान जलवायु सुरक्षा दल के द्वारा आमजनों से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करने के साथ जल का उचित प्रयोग करने की अपील की गई। कार्यक्रम के दौरान सरकारी योजना के दूरगामी सोच को व्यवहारिक रूप से समझने और सहयोग देने के साथ उन सभी तथ्यों के प्रति सजग होने की बात कही गई, जिससे उनके अस्तित्व पर खतरे की संभावना हो। साथ ही जैविक खाद का प्रयोग करने और प्लास्टिक की जगह अन्य विकल्प का सहारा लेने पर बल दिया गया। वहीं अभियान दल में बच्चे, युवा, वृद्ध और सेवानिवृत्त शिक्षक ने वृक्ष लगाने, प्रकृति को बचाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक किया, जिससे कई तरह की समस्याओं से बचा जा सके। जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत सैनो पंचायत के मुखिया भैरव यादव ने मकर संक्रांति को लेकर पंचायत की जनता एवं जनप्रतिनिधियों के लिए दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। इस दौरान जगदीशपुर प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि के अलावा राजद नेत्री राविया खातून, सनहौली पंचायत के मुखिया मोहम्मद मरगूफ, मोहम्मद बबलू और रंजीत सिंह समेत काफी संख्या में लोग शामिल हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।